हेलो एवरीवन, टुडे वी विल रीड अबाउट प्रोनाउन। आई थिंक यू ऑल नोज अबाउट द नाउन, दैट व्हाट इज अ नाउन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। मीन्स नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। देन व्हाट आर द प्रोनाउंस, प्रोनाउंस क्या होते हैं? तो प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो कि नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं। ओके, सो डेफिनेशन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वो शब्द जो कि नाउन की प्लेस पर यूज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जांपल्स, ही, शी, इट, दे, वी, यू, योर, हिज, हर, आर एटसेट्रा। मीन्स क्या हुआ? जैसे हम बोले राम इज़ अ बॉय, वी कैन यूज इन द प्लेस ऑफ राम वी कैन यूज ही इज़ अ बॉय। ओके, राम एक लड़का है, वह एक लड़का है। या हम बोले राम एक लड़का है, वह खेलता है। राम इज अ बॉय, राम प्ले। लाइक वी कैन से राम इज अ बॉय, ही प्लेज, वह खेलता है। ओके, तो सो द प्लेस ऑफ राम वी कैन यूज ही। ओके, इन द प्लेस ऑफ गर्ल्स नेम वी कैन यूज शी। लाइक दिस, ही इज अ बॉय, हिज ब्रदर इज राम, वह एक लड़का है, उसका भाई राम है। तो यहाँ पर हमने हिज किस लिए यूज किया है? बॉय के लिए। ओके, तो वी यूज हिज फॉर द बॉय एंड हर फॉर द गर्ल। देन वी कैन सी सम एग्जाम्पल्स लाइक केट एंड हॉर्स। द सेंटेंस इज द केट एंड हॉर्स आर रनिंग। केट और घोड़ा दौड़ रहे हैं। तो इन द प्लेस ऑफ केट एंड हॉर्स, हम केट और हॉर्स की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं? दे आर रनिंग, वे दौड़ रहे हैं। ओके, तो केट और हॉर्स की प्लेस पे हमने दे यूज किया। लाइक आई हैव अ सन, मेरा एक बेटा है। ही इज़ अ गुड डांसर, वह एक अच्छा डांसर है। तो हमने सन की प्लेस पे क्या यूज़ किया? हमने उसका नाम नहीं बोला। जैसे आई हैव अ सन राजू, राजू इज़ अ डांसर। यहाँ पर हम राजू की प्लेस पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही इज़ अ डांसर। सो सन की प्लेस पे हम क्या यूज़ करेंगे? ही। देन मिस्टर टॉम एंड आई, मिस्टर टॉम एंड आई एम वॉकिंग, मैं और मिस्टर टॉम घूम रहे हैं। तो इन द प्लेस ऑफ मिस्टर टॉम एंड आई वी कैन यूज वी आर वॉकिंग, हम घूम रहे हैं। लाइक दिस, हम सिस्टर की प्लेस पे शी यूज कर सकते हैं। ओके, आई हैव अ सिस्टर, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, है ना, मेरी सिस्टर। या फिर हम ये यूज़ करते हैं आई हैव अ सिस्टर, माई सिस्टर इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मेरी एक बहन है और मेरी बहन बहुत इंटेलिजेंट है। तो इन द प्लेस ऑफ सिस्टर वी कैन यूज शी। लाइक दिस, वी कैन यूज इन द प्लेस ऑफ ब्रदर वी कैन यूज ही। देन चिल्ड्रन आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं, या दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। देन चीज की प्लेस पे क्या यूज कर सकते हैं हम? इट। बिकॉज चीज क्या है? नॉन लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उनके लिए हम उनकी प्लेस पर प्रोनाउन के लिए क्या यूज करते हैं? इट। लाइक दिस, स्कूल, माई स्कूल इज वेरी बिग, है ना, इट हैज़ बिग गार्डन, उसमें बहुत बड़ा गार्डन है। तो स्कूल हैज़ बिग गार्डन, वी डिडेंट राइट, हम नहीं लिखते हैं, हर बार हम नहीं लिखते हैं स्कूल, हम क्या लिखते हैं स्कूल की प्लेस पर? इट, क्योंकि स्कूल क्या है? नॉन लिविंग थिंग। सो इन द प्लेस ऑफ स्कूल वी कैन यूज इट। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स, मोर एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल है माई मदर लव्स चिल्ड्रन, मेरी मम्मा, मेरी मदर बच्चों को प्यार करती है। द मदर गिव्स टॉयज टू चिल्ड्रन, मेरी मम्मा बच्चों को खिलौने देती हैं। यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया? माई मदर लव्स चिल्ड्रन, माई मदर गिव्स टॉयज टू द चिल्ड्रन। मीन्स यहाँ पर हमने बार बार मदर का यूज़ किया है, तो हम मदर की प्लेस पे क्या यूज़ कर सकते हैं? शी। ओके, क्योंकि मदर क्या है? मदर गर्ल है, तो गर्ल के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? शी। तो हम कैसे लिख सकते हैं? माई मदर लव्स चिल्ड्रन, मेरी मदर बच्चों को प्यार करती हैं।
और द मदर की प्लेस पे हम लिख सकते हैं शी। शी गिव्स टॉयज टू चिल्ड्रन, वह बच्चों को खिलौने देती हैं। लाइक दिस सेकेंड एग्जाम्पल इज राजेश रैन फास्ट, राजेश बहुत तेज दौड़ा। राजेश फेल डाउन, राजेश गिर गया। अगेन इन द प्लेस ऑफ राजेश, राजेश की प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, राजेश बॉय है, सो वी कैन राइट ही। सो राजेश रैन फास्ट, राजेश तेज दौड़ा, ही फेल डाउन, वह गिर गया। ओके, तो राजेश की प्लेस पर हमने क्या यूज किया यहाँ पर, ही। देन थर्ड इज, थर्ड एग्जाम्पल इज जेम्स एंड पीटर आर माई फ्रेंड्स, जेम्स एंड पीटर आस्क मी टू प्ले, जेम्स और पीटर मेरे फ्रेंड हैं, जेम्स और पीटर ने मुझसे खेलने के लिए पूछा। अगेन वी कैन राइट इन द प्लेस ऑफ जेम्स एंड पीटर, जेम्स एंड पीटर आर माई फ्रेंड, जेम्स और पीटर मेरे दोस्त हैं, दे है ना, क्योंकि दो हैं जेम्स एंड पीटर, दो है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, दे। दे आस्क्ड मी टू प्ले, उन्होंने मुझसे खेलने के लिए पूछा। देन नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज आ गई है, अगेन वी विल अंडरस्टैंड अगेन अंडरलाइन द प्रोनाउन। अब हमें क्या करना है, अंडरनाउन प्रोनाउन जो वर्ड है उस पर हमें अंडरलाइन करनी है। फर्स्ट है प्राची इज प्लेइंग विद बॉल, प्राची गेंद से खेल रही है। शी इज अ गर्ल, वह एक लड़की है, तो यहाँ हमारा प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन इज शी। वाई, क्योंकि वी कैन राइट हियर प्राची इज प्लेइंग विद बॉल, प्राची इज अ गर्ल। हम प्राची लिख सकते थे यहाँ पर, बट हमने प्राची की प्लेस पर यहाँ क्या लिखा है, शी, शी इज अ गर्ल, दैट्स वाई प्रोनाउन इज शी हियर। देन नंबर टू पॉइंट इज राम इज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री, राम पेड़ पर चढ़ रहा है। ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, अगेन हियर प्रोनाउन इज ही। वाई, बिकॉज इन द प्लेस ऑफ ही वी कैन यूज राम, राम इज क्लाइंबिंग ऑन अ ट्री, राम इज अ बॉय। ओके, राम की प्लेस पर हमने यहाँ ही लिखा है। देन नंबर थ्री, डू नॉट ईट दिस मैंगो, यह मैंगो मत खाओ, इट इज नॉट फ्रेश, यह फ्रेश नहीं है। यहाँ पर प्रोनाउन है इट, बिकॉज वी कैन यूज हियर, हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, डू नॉट ईट दिस मैंगो, यह मैंगो मत खाओ, दिस मैंगो इज नॉट फ्रेश, यह मैंगो फ्रेश नहीं है। बट हमने यहाँ मैंगो की प्लेस पे क्या यूज किया है, इट, सो प्रोनाउन विल बी इट। द नंबर फोर है दिस इज राजू, यह राजू है, ही इज अ फार्मर, वह एक फार्मर है। यहाँ पर हमने क्या बोला है, राजू, तो हम यहाँ लिख सकते थे दिस इज अ राजू, राजू इज अ फार्मर, बट हमने राजू की प्लेस पे क्या यूज किया है यहाँ पर, ही, सो यहाँ पर ही विल बी प्रोनाउन, यहाँ ही होगा प्रोनाउन। द नंबर फाइव इज दैट इज ताजमहल, यह ताजमहल है, इट इज वाइट, द ताजमहल इज वाइट, वी कैन राइट हियर ताजमहल, बट वी हैव रिटर्न इट, सो इट विल बी प्रोनाउन। हम यहाँ पर इट की प्लेस पे ताजमहल लिख सकते थे, बट हमने यहाँ इट लिखा है, सो यह भी क्या होगा, प्रोनाउन। द नंबर सिक्स पॉइंट इज मोहन इज अ टीचर, मोहन एक टीचर है, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है। हम यहाँ क्या लिखे, मोहन इज अ टीचर, मोहन हैज अ कार, पर मोहन की प्लेस पे यहाँ लिखा है ही, सो ही विल बी प्रोनाउन। द नंबर सेवन क्वेश्चन पॉइंट इज मनीषा इज अ टीचर, मनीषा एक डॉक्टर है, सॉरी डॉक्टर, मनीषा इज अ डॉक्टर, मनीषा एक डॉक्टर है, हर सन्स नेम इज राजू, उसके बेटे का नाम राजू है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं मनीषा इज अ डॉक्टर, मनीषा सन्स नेम इज डॉक्टर राजू, मनीषा के बेटे का नाम राजू है, बट हमने मनीषा की प्लेस पर हर यूज किया है, सो हर विल बी प्रोनाउन। देन नंबर एट पॉइंट है रमेश इज अ टीचर, रमेश एक अध्यापक है, टीचर है, His son's name is Rahul, उसके बेटे का नाम राहुल है। Again, we have used here in the place of Ram, Ramesh, we have written his. रमेश एक टीचर है, रमेश के लड़के का नाम राहुल है, बट हमने रमेश के प्लेस पे क्या यूज किया है, his, तो here his will be pronoun. Then last है we should respect our elders, हमें हमारे elders का, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो we all knows that here we will also pronoun and are
also pronoun. Okay, here I have explained you pronoun and I think you understand it. Thank you.